हे गाइस, वेलकम टू अवर टेक फॉर आवर माइंड। आज की इस वीडियो में एक और जॉब नोटिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं जो कि इंफोसिस की तरफ से आ रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, डिस्क्रिप्शन में और भी कंपनियों के लिंक है, आपने उनके लिए अप्लाई नहीं करा तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। और इस ड्राइव का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। ठीक, एलिजिबिलिटी में बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमई एमटेक ब्रांच सिर्फ 2020 वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एमसीओ एमएससी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ फिजिक्स स्टैटिक्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 2020 बैच के। एकेडमिक क्राइटेरिया 60% मांगा है एसएससी में और हायर सेकेंडरी में भी 60% मांगा है, ठीक है ना। डिप्लोमा कराया आपने तो 58% मांगा है, ठीक है ना। मतलब 60% आपका थ्रू आउट होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें 95 मिनट्स का होगा, ठीक है ना। इसमें जिसमें आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा और कम्युनिकेटिव इंग्लिश आएगी, ठीक है ना। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको सेकंड राउंड होगा टेक्निकल एंड एचआर। सैलरी पैकेज आपका होगा 3.60 LPA तक होगा, ठीक है ना। आपकी जो जॉब होगी टेक्निशियन होगा, सिस्टम इंजीनियर की जॉब है। अब लेकिन देखिए, ये एक पूल कैंपस ड्राइव है, ये ऑफ कैंपस ड्राइव नहीं है, ठीक है ना। इन्फोसिस की तरफ से मेगा पूल कैंपस ड्राइव हो रहा है जो कि हो रहा है महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, लेकिन इसमें भी सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इन तीनों यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट ऑफ कॉलेज एफिलेटेड टू द डॉक्टर BAMU औरंगाबाद, SRDMU नंदाद एंड KBC NMU जलगांव, ठीक है ना। आप इन तीन कॉलेजों से रिलेटेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका कॉलेज इनसे एफिलेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। औरंगाबाद में ड्राइव होने वाली है 28, 29 और 30 को होने वाली, जनवरी को, ठीक है ना। और ये इसका ड्राइव का एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें एड्रेस ही लिखा है, वेन्यू, ये वेन्यू ही लिखा हुआ कि कॉलेज में होने वाला है ये, ठीक है ना। अब आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आपको नीचे आना है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली आप अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करिए कोई भी, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसके बाद यूनिवर्सिटी का रोल नंबर दीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर देना है आपको, जो भी आपका जेंडर हो, डेट ऑफ बर्थ देना है, मोबाइल नंबर, फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है ना आपको। इसके बाद आपको अपना स्ट्रीट नंबर देना है, एड्रेस देना है, नीचे आएंगे थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वगैरह स्टेट वगैरह दीजिएगा, कंट्री दीजिएगा, पोस्टल आपका पिन कोड दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी परसेंटेज दीजिएगा SSC की, ईयर ऑफ पासिंग दीजिएगा, नेम ऑफ योर स्कूल, स्कूल का नाम दीजिएगा, बोर्ड दीजिएगा जो भी आपका बोर्ड हो, CBSE ICSE, ये सब डिटेल को फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी डिटेल है, आपको सिर्फ सिंपली फिल करना है इनको, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, अपनी डिटेल फिल करते जाएंगे। आइए, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बेसिक सी डिटेल है। अगर आप इन कॉलेज से रिलेटेड है आप सभी अप्लाई करिएगा, इसमें लिखा हुआ है आप तीन कॉलेजों से यूनिवर्सिटी आपकी एफिलेटेड नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आइए, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।